हम बात कर रहे हैं NBCC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 3% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले वीडियो में जब स्टॉक ने 132 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो रहा था, हमने डिस्कस किया था कि 140 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। 138 तक का जंप देखने मिला, वहाँ से अगेन हमको छोटी मोटी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। 120 से सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस बैक किया है, तो हम देख सकते ऊपर की ओर ही सस्टेन हो रहा है, हमको बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिला। अगर गिरावट आनी होती तो स्टॉक हमको यहाँ से गिरावट दिखा जाता। अपने अप ट्रेंड में है स्टॉक और ऊपर की ओर सस्टेन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ से NBCC हमको तेज़ी दिखा सकता है। इसका हमको सिग्नल मिल रहा है कि NBCC यहाँ से और तेज़ी दिखा सकता है। अगर गिरावट आती है तो 134 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट 130 का लेवल रहेगा। तगड़े और इम्पॉर्टेंट और आखिरी सपोर्ट की बात करें तो ये जो लो है जहाँ से सपोर्ट लेकर स्टॉक बाउंस बैक हुआ है, 120 का लेवल इसका तगड़ा और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 120 के लेवल का ब्रेकडाउन मतलब अगेन NBCC में फिर बड़ी गिरावट, लेकिन अब ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बन रहे, स्टॉक ऊपर की ओर सस्टेन हो रहा है। अब बात करें टारगेट की तो इमीडिएट टारगेट हमको देखने के लिए मिलेगा 140 का लेवल। इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 144 का लेवल। 144 का लेवल इसके रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने 144 के आसपास से इससे पहले हमको रिजेक्शन दिखाया, तो 144 का जो लेवल है तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसके आसपास थोड़ा फ्रेश बाइंग अवॉइड करना ठीक रहेंगे। इसको ब्रेकआउट पर एंट्री बनाई जा सकती है सेफ एंट्री के लिए। अगर 144 के लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया तो फिर NBCC में हमको बड़ा जम बड़ी बाइंग भी देखने के लिए मिल सकती है। फिर नेक्स्ट टारगेट 150 और 160 तक के टारगेट फिर शॉर्ट टर्म में NBCC हमको दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।